हेलो भाई, चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। डेट इज मिनिमम चेंजेस टू मेक अल्टरनेटिंग बाइनरी स्ट्रिंग। तो हम लोग को एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसमें 0 और 1 है, ठीक। और हम एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं, 0 को 1 बना सकते हैं या 1 को 0 बना सकते हैं। तो स्ट्रिंग इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग अगर दोनों एडजेसेंट कैरेक्टर आर इक्वल, मतलब कोई भी एक दो एडजेसेंट कैरेक्टर इक्वल नहीं हो। तो जैसे 0 1 0 ये अल्टरनेटिंग है क्योंकि कोई भी एडजेसेंट कैरेक्टर सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि 0 0 एडजेसेंट कैरेक्टर 0, मतलब सेम हो गया। तो हम लोग को मिनिमम ऑपरेशन बताना है जिसमें हम लोग स्ट्रिंग को अल्टरनेटिंग बना दें, मतलब 0 1 0 1 ऐसे या 1 0 1 0। तो जैसे ये हम लोग को ये एग्जांपल, तो हमको या तो स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, 1 0 1 0 होना चाहिए, 4 लेंथ का है, तो या तो 0 1 0 1 होना चाहिए। तो हम लोग इससे चेक करते हैं जी कितना ये बनाने में वो कितना ऑपरेशन लगेगा। तो ये बनाने में ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो एक ऑपरेशन इसको लगा। ये दोनों इक्वल नहीं है तो एक और ऑपरेशन लगा। ये दोनों इक्वल नहीं है तो एक और ऑपरेशन लगा। और ये दोनों इक्वल है तो इसको चेंज करने ऑपरेशन नहीं लगा। तो यहाँ से इसको ये बनाने में कितना लगा, 3 लगा। अब इसको ये बना के देखते हैं, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों डिफरेंट है। तो 0 को 1 बनाएंगे तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा। तो दोनों में से मिनिमम मिनिमम ऑपरेशन हम लोग को लगाना था, मिनिमम 1 में बना दिए, तो यही आंसर है। यहाँ पे 1 0 है तो 1 0 को 1 0 बना सकते हैं या तो 0 1 बना सकते हैं। तो ये बनाएंगे तो क्या ऑपरेशन होगा, 0 ऑपरेशन में, क्योंकि वही है। और ये बनाने में कितना लगेगा, 1 को 0 बनाएंगे, 0 को 1 बनाएंगे, 2 ऑपरेशन लगेगा। और दोनों में से जो भी मिनिमम है तो 0 है। तो वही हम लोग एक इटरेशन करेंगे और चेक कर लेंगे जो हम लोग को इस फॉर्मेट में बनाने में कितना लग रहा है, इस फॉर्मेट में क्या बनाने में लग रहा है, और दोनों का मिनिमम रिटर्न कर देंगे। तो चलिए कोड कोड पर चलते हैं, इसी को करते हैं। तो जैसे ये है तो मिनिमम के लिए हम लोग दो काउंट ले लेते हैं, एक काउंट 1 और एक और ले लेते हैं काउंट 2, ठीक। मानिए काउंट 1 हम लोग को दोनों में से एक फॉर्मेट बनाना है, ठीक। या तो हम लोग को बनाना है 0 1 0 1 0 1 ऐसा, या तो 1 0 1 0 1 0। तो हम लोग मानते हैं काउंट 1 इसका काउंट कर रखेगा, ठीक, इससे मैच कर, इसको बनाने में कितना रखेगा। और काउंट 2 मानिए इसको रखेगा, ठीक, जे इसका मैच कितना, इसे मैच बनाने में कितना लगेगा। तो चलिए हम लोग कौन करते हैं, तो हम लोग पूरा स्ट्रिंग में जाते हैं। ठीक, अब चेक करते हैं अगर ऑड होगा, आई मानिए ऑड है, ठीक, या इवेन कर लिए, चेक कर ले रहे हैं। अगर ये इवेन है तो इवेन है मतलब 0 पोजीशन पे, ठीक। तो इसमें 0 पोजीशन पे क्या है, 0 है। तो अगर 0 पोजीशन पे यहाँ पे 1 मिल गया तो क्या होगा, हम लोग को काउंट 1 इंक्रीमेंट करना होगा। तो i 0 पे अगर मानिए ये मिल गया 1, तो क्या हो गया, काउंट 1 1 इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 0 चाहिए, काउंट 1 इसका चेक कर रहे हैं। तो ये और इवन पोजीशन है, 0 इंडेक्स है, तो ये 0 होना चाहिए लेकिन ये 1 है, हो गया। उसी तरह यहाँ पे 1 चाहिए, अगर यहाँ पे 0 हो तो काउंट 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा ना। ठीक, अब एल्स पार्ट देखेंगे। एल्स पार्ट मतलब ये ऑड पोजीशन है, तो ऑड पोजीशन पे काउंट 1 पे 1 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 0 हो तो काउंट 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग को चाहिए 1 और यहाँ पे है 0, तो हम लोग को वो 0 को 1 बनाना पड़ेगा ना। अगर ऐसा ही 1 हो तो काउंट 2 इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ चाहिए 0, है 1, और लास्ट में रिटर्न क्या करना होगा दोनों में से मिनिमम। चलिए इसी को रन करते हैं, ये तो मैच कर रहा है, सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।